भाई फोटो तो आ गई तुम्हारी नगर में। हाँ भाई झटका अच्छा देती है। ओ भाई यार कहने को 160 है ये, लेकिन पावर देखो भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल संदीप व्लॉग्स। सो गाइस कैसे हो आप लोग, होपफुली जितने भाई वीडियो को वॉच कर रहे हैं सारे ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। गाइस आज अपने साथ खड़ी है बजाज पल्सर NS160। तो गाइस आज इस बाइक का करने वाला हूं मैं राइड रिव्यू, ठीक है। थोड़ा बहुत चला के देखेंगे, ठीक है, कैसा परफॉर्मेंस है, कैसी भक्ति है, और किस बंदे मतलब किस कैटेगरी वाले लोगों को ये लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में बाइक आ चुकी है और 150 cc का तो मेरे ख्याल से आजकल क्रेज चल रहा है, ठीक है। चाहे 220 ले लो, चाहे आप यामा की R15 ले लो, MT15 ले लो, ठीक है, NS की सीरीज की सारी बाइकें ले लो, और N160 तो अभी आया ही आया है। तो चलो यार इसका एक राइड रिव्यू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को बताते हैं इसके बारे में कि कैसे चलती है, कैसे भक्ति है। तो चलो यार कैसी पावर लगे इसमें, चलते हैं। बैग देना है? हाँ चले, यहाँ पीछे बैठो क्या उधर? चलो फिर अपने 220 एरी। तो चलो चलते हैं भाई, पहले रोड पे चल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं थोड़ा बहुत। NS की सीरीज की कितनी कोई सी भी बाइक ले लो ना यार, काफी ज्यादा अच्छा मतलब परफॉर्म करती है कि 200 से थोड़ा कम पावर है, तो हल्का फुल्का मेरे को मतलब लग रहा है कि दिक्कत हो रही है चीज में, ठीक है, बाकी चलने में तो ठीक ठाक है अभी तो फिलहाल। लाल बत्ती आ गई यार, यार फोन आ रहा है किसी। अरे कंपनी वाले भी बेवकूफ होते हैं ऐसे टाइम पर फोन कर। नहीं अरे ये बाइक कौन सी है, पल्सर 220 डाल देना आ जाएगा, ठीक है, यही रहता हूँ आदर्श नगर में। फोटो तो आ गई तुम्हारी आदर्श नगर में। हाँ भाई झटका अच्छा देती है भाई, मोटो व्लॉगिंग का क्रेज बहुत है यार, देख रहे हो आप लोग। निकले राइड रिव्यू करने, एक कॉल आ गई थी, थोड़ा रुक गए थे, थोड़ा बहुत फील हो रहा है गाइस हल्का फुल्का कि थोड़ा मतलब मैं चला रहा हूँ 150 cc, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत भगा के देखेंगे। और कुशनिंग की बात करूँ, राइडिंग कम्फर्टेबल तो ठीक ही ठाक है, ठीक है, और ट्रैफिक फिल्टर भी करके देखेंगे, इसलिए थोड़ा शाम को निकला हूँ कि हल्का फुल्का ट्रैफिक देखने को मजा आएगा। हैंडल कट भी ठीक है यार, लीन वगैरह भी अच्छे से हो जाएगी। थोड़ा खेच के देखते हैं, ओ भाई यार कहने को 160 है ये, लेकिन पावर देखो गाइस। मतलब गाइस कहने को 160 है यार, क्या पावर मतलब पिकअप कितना हाई है। अगर आप इस हिसाब से लेना चाह रहे हो ना कि मतलब थोड़ी बहुत आप लोगों को पावर भी दिख जाए और लुक्स भी आप लोगों को मतलब एक बढ़िया मिल जाए, तो उस हिसाब से ठीक है भाई के। ये क्या कर रहे थे, उस हिसाब से ठीक भाई के भाई, कहीं ना कहीं तो भाई पता ही नहीं चला। और आप लोगों को एक चीज बताऊं, पीछे मैंने पिलियन बिठा रखा है, जब भी देखो ऐसा पावर दे दिए, 850 चल रही है, देखो थ्रोटल भी देखो मैंने कितना दे रखा है, तो कहीं ना कहीं NS की बाइक है ना पावर के मामले में ठीक ठाक है यार। तो चलो यार
आप ले सकते हैं अगर एक बढ़िया आप लोगों को लुक चाहिए, ठीक है। प्राइस रेंज भी काफी सस्ता है देखा जाए तो, ठीक है, 1,48,000। पावर लैग का भाई कोई कमी इश्यू नहीं हो रहा मेरे को भाई, बिल्कुल नहीं है। देखो टोटल दे दे भग रही है, तो पावर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। और टॉप स्पीड एक बार चेक करेंगे यार इसकी, ठीक है। बीच में यार बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं तो इस वजह से टॉप स्पीड भी चेक नहीं कर पा रहा मैं। और भाई गियर शिफ्टिंग भी बढ़िया हो रहा है इसका, ठीक है। मतलब भाई बता रहे थे कि 1.5-2 साल हो गई भाई को लिए हुए, 4 सर्विस करवा दी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे गियर शिफ्टिंग में, ठीक है। 5 गियर है, 5 के 5 मार दिए थे अभी मैंने, तो अच्छा है, अच्छा मतलब परफॉर्मेंस है इस बाइक का, ठीक ठाक है देखा जाए तो। आप लोग और गाइस कमेंट करके बताना भाई, बढ़िया यार, बढ़िया लीन हो रही है यार। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका माइलेज टेस्ट करना है नहीं करना है। यार मिलियन पे हूँ भाई, एक बंदा बिठा रखा पीछे, वो बंदा 220 के पीछे बैठ नहीं रहा, लेकिन भाई मैं आप लोगों को कट वट वगैरह करके दिखाता हूँ, देखते हैं। बढ़िया कट हो गया यार वैसा देखा जाए तो। ब्रेकिंग भी ठीक है भाई, देखो ब्रेक मारते ही ब्रेकिंग, मतलब ऐसे हल्का सा दबा पुश करना पड़ रहा है मुझे, ये देखो भाई हल्का सा पुश रुक जा रही है, ठीक है भाई। मतलब मेरी 220 में ब्रेकिंग खराब हो गई है तो उस वजह से उसमें थोड़ा बहुत, मतलब उसमें 220 में थोड़ा बहुत कम ही देखने को मिलता है। क्या कर रहे है? ऐसे जाम लगा हुआ रहता है यहाँ पे, जाम लग गया गाइस, हर बार लगता है यार मेरे हिसाब से, जब भी मैं यहाँ की साइड आया हूँ ना तो लगा ही हुआ रहता है। थोड़ा जाम में से निकल जाते हैं इस बाइक को देखा जाए तो, ट्रैफिक फिल्टर करने में भी ठीक है। और बॉडी मतलब ऐसा लग, देखो ऐसे बैठा हुआ मैं, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को तो कैसे बैठा हुआ हूँ मैं। ब्रेक भी ठीक है यार, अपनी 220 पे जैसे बैठा हुआ था ना वैसे ही बैठा हुआ हूँ। मतलब देखने में लगती है कुछ सेल्सी, लेकिन है नहीं, ये इतना अग्रेसिव नहीं है ये, थोड़ा बहुत किक मेरे पैरों में चिपक रहा है ना तो मुझे लग रहा है यार ये क्या चिपक रहा है, क्या चिपक रहा है, लेकिन ठीक है यार उस तरफ से जाना चाहिए था, वो बंदे लेके जा रहे हैं यार। कितने गियर में चलती थी देखा जाए तो भाई बॉडी बैलेंस बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का, ठीक है। और थोड़ा बहुत देखो मैं ऐसे करके बैठा हुआ हूँ तो बिल्कुल भी मेरे को मतलब थकावट फील नहीं हो रही एक तरीके से, ये है, ये देखो मैं कैसे बैठा हूँ, बिल्कुल थकावट फील नहीं हो रही। और भाई बाइक देखो कितना मतलब कंट्रोल में है बाइक एक तरीके से मान लो, ठीक है कह सकते हैं। आ गए अपने सिग्नेचर ब्रिज पे, देख सकते हैं आप लोग पावर लेग में तो यार कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे लग नहीं रहा सब कि पावर में दिक्कत है क्या कहीं, ठीक है। तो चलो यार यहाँ पे खड़े होकर ना वीडियो को कर देते हैं एंड कहीं पे, देखा जाए तो गाइस ठीक ही ठाक है, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल कॉलेज वाले बंदे को चाहे जो अभी बाइकिंग का क्रेज है जिसको वो ले सकता है, ठीक है, कोई ज्यादा इशू नहीं है। जितना मतलब आसानी इसे होती है चलाने में उतना ऐसे ही हो रही है, ठीक है। ऐसा लगती है देखने में कि थोड़ी मतलब अग्रेसिव है, लेकिन है नहीं उतना। हैंडल वैंडल ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हैंडल देखने को मिल जाता है,
और ये खड़ी अपनी 220। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। और आप लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा आप लोग अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल करें और रिव्यूज़ वगैरह देखें, और वीडियो को भाई पूरा आप लोगों ने देखा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी नॉलेज मैंने शेयर कर दी होगी इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस मिलते हैं ऐसे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।